हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे आज का वीडियो कुछ खास है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सैन फ्रांसिस्को की जर्नी। तो रात को 12 बजे से हमारी जर्नी शुरू हुई। हमारी फ़्लाइट थी 12 बजे से। अर्ली मॉर्निंग हम सैन फ्रांसिस्को पहुँचे और वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया सबसे पहले, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग रेडी थे सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले यहाँ का जो सबसे फेमस जगह है, दी गोल्डन गेट ब्रिज, गाइस, तो हम वहाँ आए सबसे पहले। और ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये हम पार्किंग एरिया में आए सबसे पहले। वहाँ से हमने सुना है कि सबसे अच्छे से आप देख सकते हैं गोल्डन गेट ब्रिज का व्यू। तो हम लोग वहाँ आए, और जो रास्ता अभी आपने देखा वो पैदल चल के आप ब्रिज के ऊपर जा सकते हैं वहाँ का था। तो कई लोग पैदल भी जा रहे थे, बट हमारे साथ बच्चे थे और हमने वहाँ जाने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा भी था, हाइट पे था, और बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने यहीं से गोल्डन गेट ब्रिज को देखा। तो ये देखिए गाइस, इतना ब्यूटीफुल है ना ये प्लेस, इसकी ब्यूटी को कैमरा जस्टिस ही नहीं कर रहा है। इतनी सुंदर जगह थी ये, और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। गाइस, आप लोग अगर यूएस आएँ तो आप यहाँ ज़रूर आइए, बहुत ही सुंदर जगह है ये फ्रेंड्स। और यहाँ पर फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक की, और हम फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। अभी हम लोग ये गोल्डन गेट ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं, और इस ब्रिज की लंबाई 2.7 किलोमीटर और 1.7 माइल है। और यहाँ पर आप ड्राइव करके और पैदल दोनों तरीके से जा सकते हैं, बट ये लंबा थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने ड्राइव करना प्रेफर किया। अभी हम लोग ये आ गए स्टिनसन बीच पे, और गाइस यहाँ पर इतना सुंदर व्यू था, ये तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप बस देखिए, इतना सही लग रहा था ना यहाँ पर, इतना अच्छा व्यू था। और यहाँ पर जो भी आप साउंड सुन रहे हैं पीछे साइड, ये नेचुरल साउंड है, लाइक वहाँ पर बिल्कुल शोरगुल नहीं, एकदम से खाली था, और सिर्फ आप पानी की आवाज़ सुन सकते हैं। इतना रिलैक्सिंग लग रहा था, इतना ऐसा लग रहा था कि आप कहीं मेडिटेशन के लिए आए। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। ये देखिए, इतने फॉगी माउंटेन्स हो रखे थे, इतना प्यारा व्यू था, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग गाइस यहाँ पर ज़रूर जाएं, सैन फ्रांसिस्को बहुत अच्छी जगह है और बिल्कुल बोरिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने फ़ोटो थोड़ा सा क्लिक की, फिर इसके बाद हम लोग घर गए। ये देखिए गाइस, इतना सुंदर घर था ना, ये होटल था आई थिंक, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह थी। फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अपने घर के लिए रवाना हो गए। लाइक हम लोगों ने यहाँ पर एयरबीएनबी बुक किया था, जो कि एक घर होते हैं, घर और अपार्टमेंट, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है, खाने पीने की चीज़, लॉन्ड्री, लाइक आपको एक घर ही मिल गया, ये समझ लो किसने रेंट पे आपको अपना घर दे दिया। उसमें ए टू जेड पूरी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ तो हम लोग वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो भाई ब्रेड वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। तो हमने ग्रोसरी किया था जाके, और फिर हमने वहीं पर कुकिंग भी किया था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एयरबीएनबी में। हम लोग फर्स्ट टाइम रुके, मोस्टली हम लोग होटल में ही जाके रुकते थे, तो ये बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स हमें यहाँ पर। और ये हमारा डे वन था। हम लोग सैन फ्रांसिस्को में 4 दिन के लिए रुके थे पूरा, और नेक्स्ट मेरा 3 दिन का और वीडियो है, तो मैं 1 by 1 अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए गाइस। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं आपको इस टाइप के वीडियो और ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।